thank mm -hmm. you अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे हाँ जी तो सुबह का टाइम है और मैंने सोचा कि आज मैं अपने लिए जूस बना लूँ तो घर की सफाई वगैरह हो गई थी और ये सब्जियाँ मैं कटवा लेती हूँ आप लोगों को पता है मेरी हेल्पर से तो आ, मैंने आज जो है वो जूस बना के पीना था मैं डेली ट्राई करती हूँ कि मैं एक ग्लास जूस ज़रूर पीऊँ और आज जो जूस मैं पी रही हूँ वो है गाजर का और चुकंदर का और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं मैं इनामिक हूँ मतलब मेरे जिसम में ब्लड की क्वांटिटी कम है खून की कमी है मुझे और उसकी वजह यह है कि यू नो प्रेगनेंसीज में भी कम होती थी फिर वह आहिस्ता आहिस्ता कभी बड़ा ही नहीं मतलब टेन ही के अराउंड रहता है समटाइम्स एट तक भी जाता है तो उसके लिए यह है कि बेटर है कि अपने इंजेक्शन इन, लगाओ या इतनी मेडिसिन लो बेहतर है कि नेचुरल सोर्स जो होता है ना ये जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है जैसे सब्जियां और इनसे अपना खून बढ़ाने के लिए मुझे था कि चलो अब मैं नॉर्मली डेली बेसिस पे एक ग्लास जूस पीती हूँ एंड uh, उसमें ये है कि मैं चुकंदर का और गाजर का जूस पीती हूँ चुकंदर आपका ब्लड बढ़ाता है चुकंदर आप खाली नहीं पी सकते बिकॉज वो इतना ज़्यादा जो है ना वो उसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉग होता है तो उससे बेहतर है कि उसके साथ गाजर मिला ली जाए या ऑरेंज मिला लिया जाए या फिर एप्पल मिला लिया जाए तो उससे ना टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है और आप जूस भी पी सकते हैं और ये आपके ब्लड के लिए जिन खातन के जिसम में खून की कमी है वो ये वाला जूस जरूर पिए तो ये बस सुबह एक ग्लास पी लें तो बेहतर है मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इसको रेगुलर बेसिस पे रखूँगी और उसके बाद में जब अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगी तो इन शो के साथ वो रिपोर्ट ज़रूर शेयर करूंगी कि इससे मेरा खून की जो है ना वो मिकदार कितनी बड़ी क्योंकि इट्स ऑलवेज अराउंड एट से टेन तक के बीच में रहता है ऊपर नहीं जाता ये कई सालों से इसी तरह ऊपर नहीं गया तो खैर इसका टेस्ट जो है ना इसमें आप काला नमक भी डाल सकते हैं काला नमक इसके टेस्ट को बहुत अच्छा कर देता है तो खैर जूस वगैरह पी लेने के बाद ये मैंने चढ़ाया पाया और मैं आपको बताती हूँ कि पाए का जो है ना मैंने चेक किया तो इसकी जो है वो बिल्कुल ही पाए गल गए थे और बहुत जबरदस्त किस्म के गले थे और सारा गोश्त जो है वो हड्डी से जो है ना वो बिल्कुल अलग हो गया था ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये गोश्त जो है वो बिल्कुल हड्डी से जो है वो अलग हो गया अब आप कहेंगे कि मैं रेसिपी मिट से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ मैंने आप लोगों से शुरू से क्यों नहीं शेयर की तो जी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये वाला जो अब मैं पाए की रेसिपी है ये किस तरह से मैंने बनाई है ये क्लिप जो मैं आपको दिखा रही हूं ये कल रात का था मतलब एक रात पहले का है मैं गई थी बाजार और वहां से मैं लेकर आई थी पाए मैं मे मेट्रो गई थी असल में ग्रोसरी करने के लिए तो ये एक अदद जो है वो मैं पाए कराई थी वैसे बकरे का मैं बनाती हूँ लेकिन मुझे था इस दफा था बड़े के पाए बनाती हूँ अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया ये रेसिपी बहुत फुल प्रूफ है अगर आपने कभी पाए नहीं बनाया वैसे भी आजकल मौसम में आप बना सकते तो पाए को अच्छी तरह से धो लेने के बाद मैंने इसको डाल दिया स्लो कुकर में अब आप कहेंगे कि मैं स्लो कुकर हमारे पास नहीं है तो इट्स ओके आप रात को देचीकी में डाल दें और उसके बाद उसको चढ़ा दें इतना पानी डाला है तकरीबन तो मैंने छह ग्लास के बराबर इसमें पानी डाला है और वो पानी डाल लेने के बाद मैंने इसमें दालचीनी के जो है वो डाल दिए तीन अदर टुकड़े और साथ में काली मिर्चे डाली है दस पंद्रह और बड़ी इलायची जो है वो मैंने चार पांच डाली क्योंकि पाये में ना जो मेन टेस्ट आता है ना वो बड़ी इलायची और गर्म मसालों साबित गर्म गर्म मसालों का आता है और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया लौंग ठीक है दार लौंग बड़ी इलायची और आ, आ, काली मिर्चें इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक और थोड़ा थोड़ी सी लाल मिर्चें ताकि ये जो है ना ऐसे सफ़ेद रंग की यखनी न बने और लहसन अदरक का पेस्ट ठीक है ये डाल लेने के बाद मैंने स्लो कुकर को जो है ना वो क्योंकि गर्म पानी मैंने इसमें डाला था गर्म पानी कोशिश करने के डाले वरना स्लोली जो है वो बहुत ही और ज्यादा टाइम लगेगा खैर मैंने इसको रात को तकरीबन कोई आप कह सकते हैं दस साढ़े दस बजे के करीब इसको जो है वो मैंने चढ़ा दिया था और चढ़ा लेने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था और ये है सुबह ये अभी आप देख सकते हैं हाई पे था उसको मैंने लो पे कर दिया अब आप नॉर्मल की मैं इस सारी चीज़ों को करके बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है ना उस पर इसको छोड़ दें ठीक है ये प्रोसीजर कर लेने के बाद अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैंने पाए आपको दिखा दिए बुल फुली गल गए थे बिल्कुल तकरीबन दस बजे के करीब जब मैंने इसको चेक किया ये बिल्कुल गले हुए थे और अब मैंने इसको निकाल के साइड पे कर दिया अब मैं बना रही हूँ उसका जो है वो मसाला और मसाले में मैं ले रही हूँ छोटा सा प्याज ठीक है बहुत छोटा सा प्याज है बहुत बड़ा प्याज नहीं लेना और उसको मैंने ब्लेंडर में डाला और उसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया जब ब्लेंड हो गया है अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाले क्योंकि पाये के अंदर खुद उसकी नलियों में बहुत मीनस ग्रीस होती है ऑयल होता है तो आपको इतनी ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो अपना ऑयल खुद ही छोड़ देगा अब ये हुआ कि जब वो थोड़ा सा मैंने मीन ऑयल गर्म हुआ उसमें मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया और अब मैंने उसी ब्लेंडर में आ, मैंने उसमें एक छोटा टमाटर क्योंकि पाए में ज्यादा ये टमाटर प्याज वगैरह नहीं जाते क्योंकि उसका शोरबा जो है वो खुद ही इतना स्ट्रांग होता है कि आपको इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती तो एक छोटे टमाटर को लेके तो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और इसको एक कप में निकाल के साइड पे रख दिया अब ये प्याज आप देख सकते हैं इसको तीन मिनट के लिए मैंने पकाना है और उसका कलर जो है ना वो इस तरह का लाइट गोल्डन कलर का होना चाहिए डार्क नहीं करना ये बात याद रखिएगा प्याज का कलर डार्क नहीं होना चाहिए इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया लसन अदरक का पेस्ट और अब मैं इसको भूनूंगी आप कह सकते हैं तकरीबन एक आध मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी कश्मीरी मिर्चे कश्मीरी मिर्चे इसके शोरबे को ना बहुत प्यारा सा रेड कलर देंगी और जो दूसरी तरफ आप मिर्चे देख रही हैं वो लाल मिर्चे हैं वो मैंने तकरीबन वन टीस्पून के बराबर डाली है कश्मीरी मिर्ची जरूर डालेगा। अगर आप कश्मीरी आती हूं। इसको मैंने एक मिनट के लिए भूना। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटरों का पेस्ट जो अभी मैंने निकाला था वो लेने के बाद मैं इसको भूनूंगी भूने कोई तकरीबन एक दो मिनट के लिए अब हमने इसका जो ऑयल है ना उसका पानी खुश करना है मतलब मसाले का पानी खुश करना है तो साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नमक नमक थोड़ा सा डालें बहुत ज्यादा मत डालें क्योंकि हमने नमक पहले भी यूज़ किया हुआ था और अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला गरम मसाला पिसा हुआ है ये तकरीबन मैं डाल रही हूँ ही वन टीस्पून ठीक है अच्छा ज्यादा क्वांटिटी क्योंकि पाए में ना जो चीज सबसे बेस्ट लगती है वो है गरम मसाला और सालनों की टेस्ट और चीजें इसमें इतनी मजे की नहीं लगती अरे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको मैं अच्छी तरह से भून लूंगी अः याद रखिए ये रेसिपी मेरी मदर की है ये मेरी अम्मी बनाती हैं एंड बिलीव मी मैंने बहुत एक बहुत बड़ी ब्रांड के भी पाए खाए थे उसमें से स्मेल आ रही थी इसमें से आपको स्मेल नहीं आएगी अब मैंने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर और जीरा वन टी स्पून वन टी स्पून ठीक है अब ये शोरबा जो है ना अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी ऑयल अलग हो गया मतलब मसाला अलग हो गया अब इसके अंदर जो मेन स्टेप है वो है पाये मैं इसको डायरेक्ट पाए इसमें नहीं डालूंगी मैं सिर्फ इसकी जो हड्डियाँ हैं और इसका जो गुदा सा निकल आता है या उसका जो गोश्त तो हम उसे नहीं कह सकते बट जो पाए का जो यखनी है उसमें से जो चीज पाए निकलेगा वो सारा मैं इसके अंदर डाल के इसको भूनूंगी पांच मिनट तकरीबन मैंने इसको भूना है ताकि ये जो पाए है ना इसके अंदर की स्मेल इस तरह भूनने से खत्म हो जाएगी अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब मैंने इसके अंदर इसकी यखनी शामिल कर दी और यखनी शामिल कर देने के बाद इसको आप रख दें दम पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखें दम पे रखने का ये हो जाता है कि सारा मसाला और जो यखनी होती है ना इसका टेस्ट जो होता है ना यकजान हो जाता है तो अभी मुझे लग रहा था इसमें गरम मसाला भी, भी कम है तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और डाला आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें मुझे ज़्यादा गर्म मसाले वाला जो है ना वो अच्छा लगता है तो ये ये हमारा जो है वो पाए हो गए थे रेडी एंड इट्स अ वेरी गुड फूल प्रूफ रेसिपी वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा फिर उसके बाद मैंने इसको निकाल दिया था थोड़ा सा मैंने धनिया डाला और थोड़ा सा मैंने जो है ना अदरक मीन्स काट के डाल दी आपकी मर्जी है अगर आपने ये नहीं डालना मैंने गार्निशिंग करनी थी बिकॉज मुझे लगता है कि प्रेजेंटेबल होनी चाहिए जो भी सालन आप सर्व करें अब मैं आपको मजे की बात बताऊं मेरे हस्बैंड बिल्कुल पाई नहीं खाते बिल्कुल भी नहीं खाते और ये पहली दफा था कि मेरे हस्बैंड ने और मैं बनाती सिर्फ अपने और मेरे अपने बेटे के लिए ये बच किचन में जब आए ना तो इन्होंने इनको मैंने कहा ट्राई कर लें एक, एक, एक बाइट तो उन्होंने बाइट की एंड अल्हमदल्ला नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी नाश्ते में इन्होंने खाया और अभी भी उनको समझ नहीं आ रही थी उन्होंने जल्दी से प्लेट पर डाला बिकॉज इसका टेस्ट इतना अच्छा था So, तो खैर उन्होंने तो प्लेट में खाया लेकिन मुझे जो है ना प्याले के अंदर पाए खाना बहुत अच्छा लगता है तो ये मैंने पाए निकाल लिए थे एंड इट वेरी यमी खैर इसके बाद ये था कि मुझे करनी थी नमाज की तैयारी तो जाय नमाज जो है ना उसको मैंने इतर नहीं लगाया था मैं इतर लेकर आई थी मदीना से, मक्का से अपने लिए और मोहब्बत है छोटा सी। तो सा है, मुझे अपने दिल में ही होता है कि काश मैं अपने लिए मैं ले आती असल में हमने गिफ्ट भी कर दिए थे जब हम लेकर आए थे तो अब जो है फिर जब मैं इनशाला जाऊंगी तो मैं अपने लिए इतर जरूर बहुत से लेकर आऊंगी तो मैं अपनी नमाज पे ना ज़रूर इतर लगाती हूँ आफ्टर फ्यू डेज क्योंकि इसकी अरोमा बहुत प्यारा बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है तो जाए नमाज पे जब आप इस तरह इतर लगा लेते तो नॉट परफ्यूम परफ्यूम की मैं बात नहीं करती उसमें अल्कोहल होती है इतर अगर आपके पास है अच्छा मज़े मज़े की खुशबू वाला तो वो जरूर लगाए तो खैर ये मेरी आदत है मुझे था कि एक टिप है भी आगे रमजान आ रही है तो आप लोग जो है ना ये जरूर कीजिएगा आप लोगों को ना नमाज में तो खैर अपना ही एक मज़ा होता है ना लेकिन जब आप इस तरह इतर लगाते हैं ना और एहतमाम करते हैं नमाज में तो उसकी बात ही कुछ और होती है आपको ना नमाज पढ़ने में बहुत मजा आता है जब आप इस तरह से जो कहते हैं ना दिल से जाके जो है वो अपनी नमाज की तैयारी करते हैं खैर मैंने ये मटर वगैरह छुलवा लिए थे और अब मुझे था कि इनको मैं रख लूँ क्योंकि मेरी आदत है मैं पूरे साल की मटर अब आहिस्ता आहिस्ता जमा करूंगी आप लोग देखेंगे तो उससे ये होता है कि पूरे साल फिर आपको ना फ्रोजन मटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती फ्रेश मटर आपने लेके फ्रीज कर लें कुछ नहीं किया मैंने मटरों को ना धोया है ना कोई और काम किया बस मटर को लिया और मटर को जो है ना इस तरह से मैंने अपने जिप लॉक बैग में डाल दिया और मेरे मटर हो गए थे रेडी और इसको बस मैंने थोड़ा सा प्रेस किया इसकी एयर निकाली और इसको मैं कर दूंगी फ्रीज हाँ जी तो ये शाम का टाइम है और मैं क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैं मेट्रो गई थी ग्रोसरी करने तो वहां से जो है मैं लेकर आई थी ये केक रस और केक रस जो है ये क्योंकि अच्छा खासा बड़ा बॉक्स होता है तो मुझे था कि इसके प्लास्टिक के डिब्बे में नाओ और मैं अब इसे डाल देती हूँ किसी जार में मेरा पास जो सबसे बड़ा जार है ना वो इस वक्त ये है आ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ जार्स आगे ले लूँ क्योंकि आगे रमजान आ रही है और अभी आप लोग तो मेरी इन तारा ह्यूज शॉपिंग हॉल इनशा नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है वो चीज़ें ली हैं फॉर माई रमज़ान प्रिपरेशन और अभी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो मैंने दिए हुए हैं वो अभी तक मुझे मिले नहीं है, कुछ मैंने से खरीदा है और कुछ लोगों तो के साथ अपनी रमजान की जो है ना वो शॉपिंग शेयर करूंगी जो मैंने अपने लिए की है तो खैर ये शाम का टाइम है और अभी अभी भी इस चाय के बाद मुझे जाना था तो इस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड बैठे जो है वो चाय पीते हैं नॉर्मली हर हर रोज तो अः हम आदत बन गई है यू कैन से कि चाय पीने की ना साथ में और सुबह का नाश्ता करने की तो ये है कि चाय के साथ जो है मुझे था कि जो के, केकस उस जार में आ गए तो ठीक है नहीं आए उसको मैं आ, क्या करूंगी कि मैं अभी यूज कर लूंगी या मतलब हम चाय के साथ खा लेंगे और उसके बाद जो हो गए अदरवाइज ये ना थोड़ा सा आजकल बारिश वाला मौसम चल रहा है अगर आप इस तरह एयर टाइट जार में नहीं निकाल के चीज रखेंगे ना तो वो सौगी हो जाएगी और फिर क्या होता है आपके पास जया होगा तो इट्स बेटर कि आप आ, किसी भी चीज को जिस तरह बिस्किट्स हैं या इस ट्राइप की कोई भी चीज है उसको आप जार्स के अंदर डाल के रखें तो उससे होता क्या है आपकी जो चीज है वो खराब नहीं होती हाँ जी तो अब बस मुझे जाना था पहले मैंने सोचा था कि मुझे ना कुछ यूनिक चीज़ें लेनी थी कुछ डिफरेंट चीज़ें लेनी थी तो उसके लिए जो मुझे बेस्ट लगता है वो है ग्रीन वैली अगर आपको ग्रीन वैली का नहीं पता ग्रीन वैली बहरिया टाउन में है और ये आ, सुपर स्टोर है वहाँ अलफते भी है मैं वहां पर भी गई लेकिन मुझे अलफतेह में क्योंकि वो अब इस वक्त ना वो कर रहे हैं मतलब उनको शिफ्टिंग चल रही है उन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जो है वो ले ली है अलफते वालों ने तो उनके पास कुछ भी नहीं था बट यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मिल गई थी बट कुछ चीज़ें ये थी कि जो मुझे चाहिए थी वो मुझे इधर थोड़ी प्राइस ही मिल रही थी और ऑनलाइन मुझे कुछ चीज़ें सस्ती पड़ रही थी तो मैंने फिर वो यहाँ पर नहीं ली कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से ली हैं इन शाला नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग जरूर देखेंगे कि मैंने क्या क्या खरीदा है और मैंने बहुत मजे मज़े की चीज़ें ली हैं बहुत यू कैन से है अच्छी चीजें ली हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे अपने किचन में यूज करूंगी और आप लोग देखेंगे कि किस तरह से वो खूबसूरत लगती हैं यू नो मुझे रमजान में नई चीजें यूज करने में बड़ा मजा आता है तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का सुबह से लेके शाम तक की जो है वो रूटीन अच्छी लगी होगी एंड स्पेशली द रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत मजे की बनी थी आ, जब मेरे हस्बैंड ने उसको दो नानों के साथ एक वक्त में खाया है ना तो दैट मीन्स कि वह बड़े मजे की बनी थी तो जरूर ट्राई कीजिए वो रेसिपी और सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा तो हमें मुझे याद रखिएगा टेक केयर